हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्वराज सहाय और आज के इस वीडियो में मैं आपको देहरादून की 10 बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी घूमने की जगहों के बारे में बताऊंगा। देहरादून उत्तराखंड का कैपिटल सिटी है और देहरादून में कई अच्छे घूमने की जगहें हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं देहरादून घूमने जाने के बारे में तो ये वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है रीजनल साइंस सेंटर देहरादून। ये एक साइंस म्यूजियम है और ये म्यूजियम देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सुबह के 10 से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। और इस साइंस म्यूजियम में आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। नंबर 9 पर है तपोवन टेम्पल। ये टेम्पल देहरादून से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तपोवन टेम्पल को रुद्रेश्वर शिव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये टेम्पल देहरादून की बहुत प्रचलित टेम्पलों में से एक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर। नंबर 8 पर है मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क एक जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर आपको कई सारे हरिन और भी कई सारे अन्य जीव जंतु देखने को मिलेंगे और मालसी डियर पार्क वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये सुबह के 9 से शाम 5:30 बजे तक ओपन रहता है। नंबर 7 पर है शिखर वाटरफॉल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है और ये देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है, तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं और ये सराउंडिंग के लिए भी काफी अच्छी प्लेस है और ये काफी पॉपुलर प्लेस है। नंबर 6 पर है राजा जी नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क को सन 1983 में लोगों के लिए ओपन किया गया था और ये इंडिया का नेशनल पार्क है और यहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा और ये 820 किलोमीटर के एरिया में फैला बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है। और राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्टों में आता है, देहरादून, हरिद्वार और पौरी गढ़वाल। नंबर 5 पर है तपकेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल देहरादून से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और तपकेश्वर टेम्पल को तपकेश्वर महादेव टेम्पल भी कहते हैं और यहाँ पर आपको केव्स भी देखने को मिलेंगे और ये टेम्पल समर्पित है भगवान शिव को और ये देहरादून की बहुत ही प्रचलित टेम्पल है। नंबर 4 पर है माइंडरोलिंग मोनेस्ट्री। ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री सन 1965 में बना था और ये देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में काफी कुछ देखने को मिलेंगी और ये बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नंबर 3 पर है रोबर्स केव। ये देहरादून से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये देहरादून की बेस्ट पिकनिक स्पॉट है और रोबर्स केव को गुचू पानी के नाम से भी जाना जाता है और ये काफी पॉपुलर पर्यटक स्थल है। नंबर 2 पर है टाइगर वाटरफॉल। ये चक्राता के पास स्थित है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल नेचर से घिरा हुआ है, यहाँ पे आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं। ये काफी पॉपुलर वाटरफॉल है। और नंबर 1 पर है सहस्त्रधारा और ये देहरादून से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बाल्दी नदी बहती है। सहस्त्रधारा बहुत ब्यूटीफुल और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे बारिश के मौसम में कई सारे धाराएं बहती हैं और यहाँ की गुफाएं और यहाँ की खूबसूरती इस जगह को लोकप्रिय बनाती है। और गाइस, आप इनमें से किस प्लेसेस पे जाना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।